सब कोई लेकिन श्री राम पर जिनकी कृपा है वो है महाकाली महाकाली उनकी कुल देवी हैं और श्री राम अगर युद्ध पर जाते थे, तो कौशल्या यहीं आकर नतमस्तक हो जाती थी आज भी अयोध्या में अगर किसी को राम मंदिर में निमंत्रण देना होता है तो श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कुल देवी माँ बड़ी देवी काली की यहां पर आराधना की जाती है हर रोज यहाँ हजारों भक्त आते हैं जो राम के दरबार में जाते हैं वो काली के दरबार में भी नतमस्तक हो जाते हैं श्री कुमार लाखोटिया जी हमारे साथ हैं कितना महत्व है माँ काली का और भगवान राम का उन उनकी, उनकी कुल देवी हम अयोध्या में बैठे हैं, श्री राम जी की ये कुल देवी है और यहाँ पे माँ जब भगवान राम आके अगर आप मंदिर में जाएंगे देखेंगे तो सैन कक्ष में सोए हुए हैं वो माँ के पास में आके अपने हर प्रकार के जैसे एक माँ और बेटे का जो रिश्ता होता है वो रिश्ता माँ और बेटे का हमने यहाँ देखा है कि यहाँ पे एक कक्ष में आप देखेंगे सैन, सैन में हैं एक कक्ष में प्रभु राम श्री माता का सुबह दर्शन करते हैं पूरे चौबीस घंटे अपने प्रजेंस यहाँ पर रखते हैं और जो मेरे को पता चला यहाँ पर कि देवभूमि देवकाली में यहाँ पर जो भी यहाँ के लोकल जो पीठाधीश होते हैं लोकल जो भी नागरिक हैं वो अपने हर शुभ कार्यों में पहले भगवान को यहाँ पे निमंत्रण देने के पहले यहाँ पे माँ काली के पास आते हैं और अपना निमंत्रण प्रेजेंट करते हैं आपने देखा होगा रंथम्बोर में राजस्थान में एक सिस्टम है कि जो भी कुछ शुभ काम होगा पहले रंथम्बोर जाएंगे हम यहाँ राजस्थान से आए हैं तो वो गणेश जी को वहां जाएंगे और गणेश जी को आप ध्यान करके तब करेंगे यहाँ एक अलग परंपरा है माँ को पहले याद करेंगे माँ देव काली को याद करेंगे तब श्री राम को एक निमंत्रण तो जाए चौबीस में तो चुनाव है ये माना जा रहा है कि राम के आधार पर ही बीजेपी जीत हासिल करने की कोशिश कर रही है इस्तेमाल कर रही है धर्म देखिए मैं ज्यादा तो कुछ नहीं बोलूंगा लेकिन एक बात जरूर हूंगा ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है जब राम जी कोई काम धार्मिक काम कर रहे थे तो उस टाइम पे भी किसी के किसी एक वर्ग ने उनको अपोज किया था और आज कई लोग निमंत्रण पे नहीं आ रहे मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है क्योंकि श्री राम और श्री राम की धुन में पूरा भारत राममय हो गया इसमें तो धर्म के आधार पर मंदिर के आधार पर बीजेपी को फायदा होगा ऐसा एस, धर्म और अधर्म की बातें ऐसे नहीं करिए अब लोग दिल से वोट देंगे क्योंकि हम सनातनी पंद्रह सौ साल पंद्रह सौ साल की इस गुलामी की मक्कर जाल को हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने मक्कर जाल को सनातनी धर्म को जगा के काटने की चेष्टा की है मैं ये नहीं कहूंगी पूरा कट गया लेकिन कट रहा है ये मुझे दिख रहा है दिख तो रहा है लेकिन लोगों से पूछते हुए काली मंदिर का यहाँ बड़ी देवकाली का क्या महत्व है आपके लिए जी ये राम जी की बड़ी कुल देवी का मंदिर है और हम लोग यहाँ पे बचपन से आ रहे हैं तेईस साल से यहाँ रह रहे हैं और सभी लोग दूर दूर से यहाँ पे मंदिर में दर्शन करने आते हैं जैसे हम सभी के घरों में कुल देवी देवता होते हैं वैसे ये राम जी की कुल देवी है श्री देवकाली माता तो इनमें हम सभी दुर्गा माता पार्वती माता सभी का रूप देखते हैं और हम लोग बहुत ही हर त्यौहार पे जैसे मैं खिचड़ी के दिन चली आई नहा धो के तो ऐसे ही हम लोग हर त्यौहार पे माता जी के पहले दर्शन करते हैं और फिर ही अपने दिन की शुरुआत सबके लिए कितना महत्व है इसका और भगवान राम के मंदिर के बन जाने का आपके लिए क्या अनुभूति है मेरे लिए तो बहुत अच्छी अनुभूति है मैं बहुत प्रसन्न हूँ जब मैं छोटी थी तो मुझे लगता था कि ये राम जी का अयोध्या जहाँ जन्म स्थान है ये कैसा बहुत ही डेलापिडेटेड कंडीशन में था लेकिन अभी राम मंदिर बन गया है तो मैं और मेरे जनरेशन के सभी लोग अत्यंत खुश हैं बहुत ज्यादा खुशी हो रही है हम लोगों को राम मंदिर बनने से आपको लगता है दो में लड़ाई मोदी बनाम कौन है आ, ये तो क्लीन स्वीप है मोदी ले जाएंगे कोई इसमें डाउट ही नहीं है मोदी क्लीन स्वीप है आप कहाँ से हैं क्या करते हैं क्या नाम है और राम मंदिर का आपके लिए क्या महत्व मेरा नाम त्रिलोक मलिक है मैं एम ही नॉमिनेट फिल्म मेकर हूँ न्यूयॉर्क से और राम मंदिर का जो महत्व है वो पूरे विश्व के लिए है एक मैसेज भेज देना जो राम जी की फिलोसफी है हनुमान जी की फिलोसफी है मेरे विचार से इट गोज अबव रिलीजन धार्मिक ये वैल्यूज गुड देश में कैसे देखते हैं इसको क्योंकि देश में तो बहुत सारे सवाल उठते हैं विदेश में कैसे देखते हैं यूएस में वैसे ही देखते हैं यहाँ देख रहे हैं क्योंकि इंडियन तो इंडियन है जिनका विश्वास है आस्था है वो वैसे ही रहती है तो हम ऐसे ही देखते हैं वहाँ भी इतना ही पॉपुलर है क्या अंतर पड़ेगा राम मंदिर बनना, बन जाने से विश्व स्तर में भारत के स्तर में भारत तो वैसे भी हमेशा एक एजुकेशन देता रहा है धार्मिक एजुकेशन स्पिरिचुअल एजुकेशन देता रहा है अब और बढ़ जाएगी उससे समय आपको लगता है 2024 में वहाँ भी चुनाव है यहाँ भी चुनाव है क्या असर पड़ेगा राम मंदिर का जय श्री हनुम श्री राम राजनीतिक सवाल पर रुक जाना क्या करते हैं आप आज आपके लिए राम मंदिर का क्या महत्व है आपको लगता है 2024 में लड़ाई तगड़ी है मोदी के खिलाफ हाँ मोदी मोदी जी आराम से जीत जाएंगे 2024 में जो? क्योंकि मोदी जी ने बहुत काम किया है देश में गिन हम गिनती नहीं कर सके इतना काम किया है उन्होंने कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ मंदिर बनाया है बाकी सब हवाबाजी सारे काम किया गिन नहीं सकते मोदी जी ने जैसे, जैसे कि किसानों के लिए किया है जन धन योजना किया है जगह जगह गैस सिलेंडर पहुंचाए हैं किचन में और आ, आपके लिए कितना महत्व है राम मंदिर बनने का और यहाँ पर आपको लगता है दो में विपक्ष के पास कोई मुद्दा है की राम मंदिर ही सबसे बड़ा मुद्दा विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है जो कार्य मोदी जी ने किया है वो कार्य कोई कर नहीं सकता मेरी जन्मभूमि अयोध्या है लेकिन मेरी कर्म भूमि दिल्ली में है मुझे वापस राम जी ने बुलाया है दिल्ली से वापस कि आप आइए यहाँ कार्य करिए मैं दिल्ली से वापस आ गया फैमिली को लेके अयोध्या बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है नहीं सोचा था हमने नहीं सोचा हम हम मैं, मैं ती, मुझे तीस साल हो गया दिल्ली गए तीस साल में कभी नहीं आया जन्मभूमि के जजमेंट के बाद मैं मुझे यहाँ यहीं वापस आना पड़ा अपनी जड़ में जहाँ हम पैदा पले बढ़े इसी मंदिर में हम आए थे सबसे पहले हमारी हम माता लेके आई थी हमे माथा टिकाने के लिए यहाँ पे क्या बदल गया है अयोध्या में आपके लिए और इसका सीधा असर 24 के चुनाव पे कितना हो? बिल्कुल पड़ेगा इसका सीधा असर 24 के चुनाव में बिकॉज मोदी जी ने जो जो काम किया है पूरी जनता के लिए वो कोई नहीं किसी ने आज तक नहीं किया है परिवारवाद के किसी ने कुछ नहीं किया राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं मणिपुर से महाराष्ट्र जाएंगे हजारों किलोमीटर चलेंगे जी कुछ कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कुछ भी कर ले राहुल गांधी कुछ भी कर ले कांग्रेस कितने भी यत्न कर ले बट आएगा तो मोदी ही बिकॉज जो कार्य जो स्ट्रेटजी उनकी है मोदी जी की चाहे आप एन चाहे रोड नेटवर्क देख लो चाहे आप उज्ज्वला योजना देख लीजिए चाहे आप आयुष्मान योजना देख लीजिए जो जो कार्य चाहे धारा तीन मोदी जी ने जो हटाया है जो सब कार्य मोदी जी ने किया वो किसी ने आज तक नहीं किया सिवाय अपने बेनिफिट के अलावा लोगों ने कुछ नहीं किया अलंकार गुप्ता दिल्ली से क्या नाम है आपका क्या करते हैं और 2024 में मंदिर को कितना असर पड़ेगा चुनाव मैं मेरा नाम राजेंद्र कुमार अग्रवाल है मैं जयपुर से हूँ यहाँ अभी मैं अपनी धर्मशाला एक चालू कर रखा हूँ जिसका कंस्ट्रक्शन चालू है पहले क्या असर था पहले धर्मशालाएं कितनी चलती थी अभी क्या स्थिति बदली है अभी इस वक्त तो न धर्मशालाएँ कोई खाली है न कोई होटल के रूम खाली है पूरी पैक है अभी तो जितनी बन जाए उतनी कम है ऐसा क्या हो गया है मंदिर बनने से इतना असर मंदिर बनने से तो हुआ ही है पब्लिक की मतलब जो यहाँ पर टूरिस्ट है और हमारे जो राम भक्त है उनकी इतनी ज्यादा संख्या यहाँ आ गई है कि जितने रूम मिले उतने कम जितने रूम बन जाए यहाँ उतने कम अभी आज के टाइम पे यहाँ पर काफी धर्मशालाओं की काफी होटलों की जरूरत है कभी सोचा था आपने नहीं, नहीं कभी नहीं सोचा था ये चीज होगी कभी, कभी नहीं सोचा था लेकिन आज जो कंडीशन है जितना बन जाए उतना कम है होटल भी बन रहे हैं मंदिर का क्या महत्व है ये बताइए आपका नाम और मंदिर का महत्व मेरा नाम सत्य मौर्या है मंदिर पे रहते हैं यहीं साफ सफाई भी करते हैं मंदिर के मंदिर बनने से बहुत खुशी है और बहुत महत्व है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान भगवानी के मंदिर का क्या महत्व है राम जी के आगे देवकाली मंदिर का महत्व है माँ बड़ी देवकाली मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान माँ बड़ी देवकाली के दर्शन करने खुदा कौशल्या माता लेके आती थी उनका मुंडन जब हुआ तभी लेके आई थी और जब शादी हुआ राम भगवान सीता जी खुद यहाँ दर्शन करने के लिए आए आपके लिए कितनी बड़ी बात है राम मंदिर बन जाना कैसे देखते हैं राम मंदिर को राम मंदिर बन जाना बहुत अच्छी बात है और इससे हमारे जो धर्म है इसकी जो है इसके बारे में लोग जानेंगे हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता हमारी मर्यादा बनी रहेगी और जो भगवान श्री राम थे वो एक मर्यादित पुरुषोत्तम भगवान थे तो कम से कम उनके पद चिन्हों पर चलने का मौका मिलेगा ये दो के चुनाव पर कितना असर होगा कांग्रेस कहती है बीजेपी का पब्लिसिटी स्टंट है मंदिर बनाना मैम इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते आपको क्या लगता है कुछ काम किया है आपके लिए मंदिर का क्या महत्व है बहुत बहुत अच्छा महत्व है हमारे लिए भी बहुत अच्छा है जैसा लग रहा है ना सही में चौदह वर्ष बाद ही वनबास से आ रहे हैं वहाँ पर सही में ऐसा लग नहीं रहा है कि सही भगवान आ रहे हैं एकदम देखिए गली गली हमारे यहाँ जहाँ हम रहते जिस गली में हम तो अम्बेडकर नगर के हैं लेकिन यहाँ वही शाम सुबह हमेशा उन्हीं की बात होती है सरकार ने बहुत अच्छा किया जो किया लेकिन ये शिक्षा पे जोर नहीं दे रहे हम लोग यहाँ तीन साल पाँच साल हो गया तैयारी करते अभी वैकेंसी ही नहीं आई पाँच साल से प्राइमरी की वैकेंसी नहीं आई टी का फॉर्म पड़े हुए डेढ़ साल हो गया अभी उसका कोई आयोग नहीं बना माध्यमिक शिक्षा आयोग में अगर हम... आपको अपील करनी होगी मोदी से तो क्या अपील करेंगे क्या करना चाहिए अयोध्या के लिए अयोध्या के लिए जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन थोड़ा शिक्षा पे भी ध्यान दें क्योंकि हम लोग अपना परिवार बच्चा छोड़ के यहाँ तीन साल से हैं अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई अब नाम हमारा नाम कंचन यादव है बड़ी बात है क्योंकि बिना शिक्षा के आप कुछ भी चीजें सुधार नहीं सकते हैं और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है क्या करते हैं आप कितना महत्वपूर्ण है राम मंदिर बन जाना और 24 के चुनाव में क्या असर पड़ेगा इसका जी सर प्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को जय श्री राम देखिए राम किसी चुनाव या राजनीतिक पार्टी के नहीं हैं ये पिछले 500 वर्षों का संघर्ष और साढ़े चार लाख लोगों के त्याग का परिणाम है तो इसको हम चाहते हैं कि राजनीतिक घटनाक्रम से ना जोड़ा जाए ये हमारी विरासत है सांस्कृतिक धरोहर है इसको उसी परिपेक्ष में देखा जाए हाँ ये हमारी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत माननीय मोदी जी योगी जी को कार्यभार सौंपा गया है और वो अगर कोई भी पार्टी सत्ता में होती तो उसको मिलता कह रहे हैं सरकार के पैसे से ही सब काम हो रहा है देखिए सरकार का पैसा पहली बात लोकतंत्र में सरकार का कुछ होता नहीं सब जनता का होता है हमारे कर से ही सरकार चलती है आम आदमी की कर से ही सरकार चलती है तो सरकार का इसमें कोई महती योगदान नहीं है ये राम भक्तों की अपना निजी व्यवस्था है जो ट्रस्ट के माध्यम से संचालित हो रही है और मुझे लगता है आप लोगों के माध्यम से जनता तक बात पहुंची है देखिए मोदी तक प्रश्न है सत्तर सालों से कांग्रेस से जनता उग चुकी है उसी का परिणाम भारतीय जनता पार्टी का जो बहुमत है वो है और अभी भी हमें लगता है वो कायम है और आसपास लोकसभा के चुनाव में मोदी जी का तो कोई प्रतिद्वंदी दिख नहीं रहा है क्योंकि मेरा नाम आकाश मिश्रा मैम क्या करती हैं आप कितना महत्वपूर्ण है राम मंदिर बन जाना आपके लिए जय श्री राम शशि सिंह मेरा नाम है फ्रॉम आजमगढ़ से हूँ मैं यहाँ से पहले मैं पाँच साल पहले मैं यहाँ पे आती थी तो कुछ मुझे विशेष दिखता नहीं था कि मतलब श्री राम की जन्मभूमि है और यहाँ पे कैसे लेकिन अब जो देखती हूँ तो लगता है देखिए मैं मोदी भक्त नहीं हूँ मैं मोदी ये नहीं करती मैं किसी का समर्थन दूँ लेकिन जो करेगा उसके समर्थन में तो मैं रहूंगी ही इसके पहले जो दिखता था अब जो विकास हुआ उसमें बहुत फर्क है इसमें फर्क ये है देखिए सब चीजें बदल गई यहाँ पे श्री राम का शिलान्यास हुआ यहाँ पे चीजें बदल गई लोग बदल गए ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ किया नहीं है लोग कह रहे हैं लोग कहते हैं कि सरकार के पैसों से ये गलत बात है देखिए हमसे ही सरकार है हम जो दे रहे हैं उनसे ही यहाँ का शिलान्यास हुआ ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने अपने राजस्व में से कुछ दिया है या सरकारी जो धन हुआ है यहाँ पे लगा हुआ है जो हमारा कर दिया गया था वही यहाँ पे लगा हुआ है इतने लोग यहाँ पे दान दिए हैं दान से ही यहाँ पे सब कुछ हुआ ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पर्सनल किसी का कुछ लगा प्राण प्रतिष्ठा पर शंकराचार्य सवाल उठा रहे हैं कि मंदिर अधूरा है 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 बन रहा है, बन रहा रहा चुनाव के लिए ऐसा कुछ नहीं है उन्होंने उन्होंने पहले पहले से बहुत पहले से से बहुत जब वो यहां सरकार में नहीं आते तब से उन्होंने ये प्रण लिया था कि हम यहाँ अयोध्या में ये चीज करेंगे और बहुत मथुरा में भी करेंगे ऐसा नहीं उन्होंने बहुत कुछ कहा तो वो पूरा भी कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि वो कह रहे हैं वो तो एक मुद्दा उठाए बाकी उनके पास कोई मुद्दा तो बचा नहीं है अब उठाएंगे भी तो क्या उठाएंगे यही उठाएंगे कि हाँ राम मंदिर बनवा रहे हैं के लिए कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं जो करेगा उसके समर्थन अगर सपा करती है बसपा करती है तो हम उसके समर्थन में रहेंगे जनता है और जनता ही जनार्दन है तो इसलिए जनता जिसका समर्थन करेगी वही सत्ता में आएगा कारण हर व्यक्ति के लिए अपना अपना होता है कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल अयोध्या एबीपी न्यूज